सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो काफी ज्यादा बड़ी, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रिपेयरिंग के बारे में। हाँ यार, कई लोग मेरे से कह रहे थे, विशाल भाई आपने PS3 की वीडियो बनाई है, PS4 की वीडियो बनाई है, PS5 की वीडियो बनाई है, लेकिन आपने रिपेयरिंग की वीडियो नहीं बनाई। तो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रिपेयरिंग भी होता है हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास ऑलरेडी भेजे हुए हैं, PS3 भी, PS4 भी, PS5 भी। लोग कई लोग कंफ्यूज थे कि भाई PS3 में हार्ड ड्राइव की प्रॉब्लम आती है और हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ड डिस्क नहीं डल रहा होता है, या फिर पता नहीं बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है। यार मेरे को उतना पता भी नहीं, क्योंकि जितने ही मैंने सेल करे हैं उतने में प्रॉब्लम तो नहीं आई है, तो मुझे नहीं पता। बट है ना, रेड लाइट की प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर PS3 में। रेड लाइट PS3 में ऑन करते हैं, ऑन होता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो ऑफ हो जाता है, मतलब रेड लाइट हो जाती है, या फिर वो बिल्कुल लाइट जाता है, फिर हम उसको दबाते हैं, फिर रेड लाइट आता है, फिर हम करते हैं, फिर वो थोड़ी देर चलने के बाद फिर रेड लाइट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आती है PS3 में। PS4 में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है या ब्लू लाइट की प्रॉब्लम आती है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती रहती है PS3 में, PS4 में, Xbox में भी प्रॉब्लम आती है। तो गाइज, ये सब कुछ हम ठीक कर देंगे, चाहे आप कहीं पे भी बैठे हों, आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, कहीं पे भी हो, हम सब कुछ रिपेयर कर देंगे कहीं से भी। अगर आप लोग को आना है तो आप आकर के रिपेयर करा सकते हो, अगर आप लोगों को भेजना है तो आप भेज भी सकते हो। गाइस, ऑल ओवर इंडिया हम भी डिलीवरी कर देते हैं, या ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास डिलीवरी आ जाती है, ठीक है। एड्रेस मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या एड्रेस होने वाला है, हमारे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डाल दूंगा, या फिर आपको मैं बता दूंगा व्हाट्सअप पे, आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देना मुझे कि भाई विशाल भाई ये प्रॉब्लम है। अगर जो भी प्रॉब्लम होगा, सबसे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सअप पे मुझे आप एक छोटी सी वीडियो बनाकर भेज देना कि विशाल भाई ये प्रॉब्लम है एक्चुअल में मेरी, तो क्या प्राइस लगेगा, कितना लगेगा, ठीक होगा और कब तक आएगा। क्योंकि मैंने कई लोगों को पता किया, यार कई लोग बोलते हैं विशाल भाई मैंने वहाँ पे भेजा था यार, वहाँ पे 10 दिन लग गए, वहाँ पे 12 दिन लग गए, वहाँ पे 20 दिन लग गए। तो गाइज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बहुत ही कम पीरियड लूँगा। जैसे ही मेरे पास पार्सल आता है, जैसे ही मेरे पास पार्सल आएगा, उसके तीसरे दिन या दूसरे दिन ही आपका कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। नहीं हो पाता तो मैं बता दूंगा, बहुत ज़्यादा 2 बार 3 बार ट्राई करेंगे, 5 दिन तक हम ट्राई करेंगे ठीक करने का। अगर ठीक हो जाता है 5वें दिन कम्प्लीटली हम ठीक करके दे ही देंगे, ठीक है। 90% ठीक हो जाता है, कुछ होते हैं जो नहीं हो पाते, ठीक है। तो 90% ठीक हो जाएगा जो भी 5 दिन के अंदर, उसके बाद हम आपको भेज देंगे कि विशाल लो भैया आपका ये कंसोल है, ये ठीक हो गया। और इसी टेबल पे मैं 2-3 दिन तक चला के दिखाऊंगा अगर आप बोलते हो तो, नहीं अगर आपको जल्दी है तो आप मंगवा सकते हो, नहीं तो इसी टेबल पे मैं आपको ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करके दिखा दूंगा कि भाई देखो ये आपका PS3 है या PS4 है, PS5 है, चल रहा है बहुत ही बढ़िया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ पे मैं 3-3 घंटे, 4-4 घंटे और एक एक मतलब पूरे एक एक दिन चला देता हूँ PS3 PS4 को, क्योंकि मेरे को कहीं बाहर जाना होता है, मैं लगा देता हूँ चले जाता हूँ, बिल्कुल कम्प्लीटली वो चलता रहता रात भर दिन भर, ठीक है। ऐसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने होंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे ठीक हो जाएगा, हमारे में आता है, हम 2 महीने की वारंटी देते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है ठीक हो जाएगा। जो भी हम आपका रिपेयर करेंगे उसमें 1 महीने की वारंटी होगी, कोई भी पीरियड में ख़राब हो जाता है, जैसे कि मैंने आपका रिपेयर किया भेजा और 10 दिन में 12 दिन में ख़राब हो जाता है, तो गाइज आप मेरे को वापस भेजो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका दोबारा से ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ठीक है। जैसे ही होता है आप मेरे को बताओ विशाल भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक हो जाएगा, हल्की सी वीडियो बना के भेजनी है आपको, ठीक है। और जो भी है सब कुछ जाएगा। PS4 में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, PS3 में प्रॉब्लम आती है, जैसे रेड लाइट में प्रॉब्लम आती है, PS5 में प्रॉब्लम आती है क्या, जैसे कि डिस्प्ले की प्रॉब्लम, सबसे मेन प्रॉब्लम डिस्प्ले की, पावर सप्लाई की, क्योंकि पावर नहीं आ रहा उसमें, PS5 में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, PS बटन मतलब ऑन ही नहीं होता वो, जैसे कि हमने प्लग लगाया लाइट ही नहीं आ रहा, कुछ ऑन ही नहीं हो रहा, पावर सप्लाई में प्रॉब्लम होती है वो, पावर सप्लाई हो गई, उसके बाद कई डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हम ठीक कर देंगे, चाहे PS3 हो, PS4 हो, Xbox हो, सबका ठीक कर देंगे, ठीक है। तो बस इतना ही था वीडियो, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर के आते रहता हूँ, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना गाइस।